सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। गाइस आशा को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ भगवान जी से। और आपका भाई इस समय गेहूँ की फसल क्रॉस कर रहा है, मतलब गेहूँ के खेतों से आगे जा रहा है कंपनी, और पैदल पैदल मॉर्निंग वॉक। 7:50 हाथ में है मेरे दूध, वही कंपनी में गर्म करता हूँ कैंटीन में जाके, और ये खाली बोतल रखी है पानी, इनमें भर के फ्रिज में रख देंगे। और गाइस ना कितना मज़ा आ रहा है मॉर्निंग व्यू। गाइस कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे ना गाइस? मैं यही आशा करता हूँ कि सब बड़े बढ़िया और मस्त स्वस्थ रहें हर रोज़। कोई भी दुख आए तो भाई कट जाए, मतलब भाई दुख सुख तो जीवन साथी है हर इंसान का। तो आपका भाई ना इसमें मॉर्निंग टाइम में शूट कर रहा है, आज बड़ा मूड मेरा ख़राब है, आज बहुत तेज़ मूड ख़राब था मेरा सुबह। मैं कह रहा था ना गाइस कि 27 मार्च को मेरा होली वाला पार्ट 2 ब्लॉग आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग फनी वीडियो है, तो वो ना मेरे से सब डिलीट हो चुका है। बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई अपने आप को देख के, कल से इतना प्यारे प्यारे, मतलब इतनी मेहनत करी थी भाई वीडियो शूट करने में, और भाई क्या करूँ बताओ, सब डिलीट हो गया, कुछ नहीं कर सकता। तो भाई आज मैं नया वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय। आज है गाइस बृहस्पतिवार, थर्सडे 28 मार्च, और कल मेरा बर्थडे भी है गाइस 29 मार्च। जो कुछ ही लोगों को पता होगा कि 29 मार्च मेरा ओरिजिनल बर्थडे है, और जो हर किसी को पता है पब्लिक में, सभी को पता है फ्रेंड सर्कल में, वो है भाई सर्टिफिकेट के हिसाब से भी 28/5/1993 मई, और मेरा ओरिजिनल बर्थडे आता है गाइस जो मुझे पता है सेलिब्रेट 29 मार्च को, 29/3/1994 मेरी डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल। और जो सर्टिफिकेट के हिसाब से मैं अभी मानता हूँ चल रही है, वो है 28/5/1993। तो भाई कैसे हैं आप सब? सब मस्त रहो, कमेंट में बताना है कौन कैसा है, होली के सबकी कैसी रही। और भाई जो भी आपको कमेंट करने हैं भाई के ब्लॉग में, प्यारे प्यारे भाई सपोर्ट करो भाई। इस समय गेहूँ की फसल में काफ़ी मज़ा ले रहा है, इन्जॉयमेंट। सुबह बढ़िया नहा धो एकदम फ्रेश होकर आया हुआ हूँ, और चल रहा हूँ कैंटीन, अपने भाई की कैंटीन दिखाता हूँ आपको। भाई ने कैंटीन ले रखी है, कैंटीन मतलब होटल से ही है पूरा, तो मस्त भाई 300 बंदों का कम से कम स्टाफ है, 300 बंदों का खाना बनाता है, 300 से ऊपर ही बनाता है। और भी जो बाहर के गेस्ट आते हैं, कस्टमर आते हैं, क्लाइंट जो भी आते हैं, सबके लिए ऑर्डर में बन सकता है खाना, हर किसी के लिए बन जाता है। और जो तुम्हें पर्सनल कुछ खाना है तो वो भी ऑर्डर करते हो तो भी बन जाता है। तो अपने ना ऑल नॉर्थ, साउथ इंडियन, इंडियन, चाइनीज़, यहाँ पर मतलब सब कुछ इन्हें आता है। 3 शेफ़ हैं अपने, अभी भाई के दोस्त लोग हैं, अपने भी दोस्त भाई हैं, और भी 1-2 बंदे और रखने हैं स्टाफ में। तो भाई ना बहुत बढ़िया काम चल रहा है इस समय, अपने जितेंद्र ठुकराल जी कंपनी ऑनर काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं यार, नेक दिल हैं अपने ना कंपनी ऑनर, ऐसे हैं अपने भाई जैसे हैं मोनू भाई, जितेंद्र ठुकराल जी। तो भाई वो ना अपने पीछे 100-200 बंदों को और आगे बढ़ाने की सोचते हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ते, सबको आगे ले जाने की सोचते हैं, इतनी उनकी अच्छी सोच है। और बहुत अच्छे इंसान हैं अपने जितेंद्र ठुकराल जी कंपनी ऑनर, अपने भाई समान हैं। तो भाई ना ये देखो कैसा हो रहा है गेहूं पीछे बैकअप में देखो, और बाकी आप लोग ना गाइस शेयर करो मेरे से, और भाई को प्यार करो आप। जल्दी से मैं कैमरा हर पूरी किट जोड़ने वाला हूँ, यूट्यूब की पूरी कोशिश कर ली है, सारी किट जोड़ने के बाद भाई पूरी अच्छी मेहनत करेंगे, अभी भी मेहनत चल रही है गाइस। जैसे कई लोग बोलते थे ना भाई वीडियो शूट करना है, डालना, अपलोड करना कठिन नहीं है, सरल है, तो बहुत कठिन है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो कितने देर से फ़ोन पकड़ लगा है, 3 मिनट हो गए हैं फ़ोन पकड़ा हुआ है, और हाथ दर्द कर रहा है जैसे कि देख सकते हो। एक बार बैक कैमरे से आपको गेहूं के नज़ारे, फसल इस महीने लास्ट अप्रैल 1 में कटने शुरू हो जाएगी। देखो देखो गाइस गेहूं, हरियाणा का गेहूं गाइस, रोटी के लिए ही सब कुछ हो रहा है भाई। ये देखो ये गेहूं बिल्कुल तैयार हो रहा है कटने के लिए, देखो गाइस, देखो गाइस, देखो गाइस, गेहूं गेहूं है गाइस, पूरे खिल्ले के खिल्ले भरे पड़े हैं। ये है हमारी फसल, अभी लोग ना दवा भी कर रहे हैं कुछ लोग तो, इसमें गेहूं में ट्रैक्टर वैक्टर लेके आए थे, दवा हुआ मशीन लेके। अब मैं चल रहा हूँ कैंटीन की, और ये सामने अपनी कैंटीन है इधर, काफ़ी मज़े आ रहे हैं गाइस, 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 ये देखिए गाइस, ये सब गेहूं गेहूं है गाइस,
कैंटीन में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैंटीन के नज़ारे। अभी कैंटीन में सब सेटिंग बाजी चल रही है, देखो यहाँ किचन बाहर से भी खाना बनाते हैं लोग, बड़े बड़े सिलेंडर रखे हैं देखो। राम राम भाई, राम राम, गुड मॉर्निंग। ये भाई लोगों ने आटा वाटा लगा के रखा है पूरा, अपने मोहित भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री राम उत्तम भाई, कौन भाई, जय श्री राम। तो भाई लोग बढ़िया कैंटीन में चालू है भाई, सब सब्जी वब्जी कट रही है इनकी यहाँ पे ना, सब्जी रोटी दाल सलेड बहुत चीज़ें बनती हैं, और करीब 300 से ऊपर बंदों का खाना बन रहा है। ये रोटी बनाने वाला चूल्हा है यार, अभी सब सेटिंग होगी इसकी, सब बाद में शूट करूँगा आपके बीच। उधर गोडाउन है, सारा माल पड़ा हुआ है, ये बर्तन पड़े हैं अंदर के, और अंदर भी पड़े हैं बर्तन, सब सेटिंग होगी गाइस। अभी तो मॉर्निंग टाइम है, ये लोग मिक्सर तैयार कर रहे हैं सारा। मोहित भाई अपना मिक्सर तैयार कर, गाइस बने रहो भाई के ब्लॉग पे, दिन में शूट करते हैं लंच टाइम में, बेहतरीन प्यारा से वीडियो, ठीक है ना गाइस। तक बने रहो भाई के ब्लॉग पे, आज अपलोड हो जाएगा जल्दी। सो गाइस ये कट गया है अपना खीरे का सैलेड, एकदम मुलायम खीरा है गाइस बिल्कुल, और कटेगा अभी बहुत ज़्यादा सैलेड अभी काटना है। तो भाई लोग सब्जी काट रहे हैं यहाँ पे, कैंटीन में चालू हो जाएगा अभी काम। अब मैं चलता हूँ भाई, ड्यूटी टाइम हो रहा है 8:50 हो रहा है, सुबह 8:00 हो गया है 52 मिनट। अब मैं चलता हूँ अपने 9 बजे वाली ड्यूटी में, तो यहाँ पर सब कुछ तैयारी हो रही है, कटिंग वटिंग हो रही है। सैलेड मैंने अभी काटा है, टमाटर का सैलेड काटेंगे भाई लोग, और खीरा कटेगा। जल्दी से गाइस चलते हैं अपनी ड्यूटी टाइम में, और अभी थोड़ी देर बाद शूट करते हैं आने के बाद।